हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो मिताली बा, मैं स्टार्ट करूं क्या? हेलो एवरीवन गुड इवनिंग, मैं सबरीन साहब गुवाहाटी आसाम से। आज मैं थैंकफुल चाहती हूँ अमूल पेज को और अभिषेक सर को जो मुझे ये मौका दिया है, और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारी पीआरडीसी टीम ग्रुप को, जायका बाय बेजी और मिताली ग्रुप को, जिनकी वजह से मैं विनर बन के, उसी की ग्रुप से विनर बन के मैं आज यहाँ पे लाइव देने के मौका मिला है मेरे को, इसके थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और आज मेरा ये पहला लाइव सेशन है एज ए होम सेफ, इसमें कोई भी गलती वगैरह हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? और अमूल के बारे में क्या बोलना, अमूल के सिवा तो हम सह ही नहीं सकते। सुबह से लेकर रात तक हमारे अमूल एक किस हम छोड़ के बना नहीं सकते। बचपन से लेके आज तक जितना चल रहा है अमूल का, और उसका प्रोडक्ट दिन भर दिन बढ़ती जा रहा है, इसलिए अमूल को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, लेकिन आजकल तो हर कोने कोने में दुनिया भर में चल रहा है अमूल, पहुंच चुका है घर घर में अमूल पहुंच चुका है। आज मैं अमूल के दो डिश बनाना चाहती हूँ, अमूल प्रोडक्ट से दो डिश बनाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। एक है मेरा सफेद पनीर और एक है मेरा क्यूब ऑफ हेवन, जो मैं बना रही हूँ। आप लोग प्लीज देखिएगा और कैसा लगे मुझे कमेंट में, अच्छा भी होगा तो बताइएगा, अगर गलती भी हो जाए तो वो भी बताइएगा, ठीक है? चलते हैं फिर हम बनाने शुरू करते हैं। क्यूब करके ऐसे क्यूब करके रखी हूँ मैं इसके, इसको मैं पनीर को आधा घंटा मैरिनेट करके रखी हूँ। दो चम्मच दही और दो वन एंड हाफ स्पून टिक्का मसाला देके मैरिनेट करके रखी हूँ, हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करके रखी हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलेगा इसलिए पहले से ही मैं करके रखी हूँ। और एक हरा चटनी बनाई हूँ मैं, इसमें धनिया पुदीना और थोड़ा सा सॉल्ट और ये सेब दिया है मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे ग्राइंड किया है, और थोड़ा सा नींबू का रस दिया हूँ उसका कलर खराब नहीं होने के लिए। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। पहले मैं ये ब्रेड के ऊपर मेरा प्यारा सा अमूल बटर लगाती हूँ। ये मैं ओवन में बेक करूंगी, इसलिए मैंने ओवन को पहले से ही 10 मिनट के लिए प्री हीट करके रखी हूँ, नहीं तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी मैं इसके ऊपर हरा चटनी लगाऊंगी। हरा चटनी लगाऊंगी अभी के बाद मैं ये पनीर को के पीसेस को इस तरह मैंने पीस करके रखी हूँ। मैं ये ब्रेड ले रही हूँ, आप लोग कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड खाए तो ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, सफेद खाए तो सफेद ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैंने इसको इसे ग्राइंड किया है, फिर मैं सॉरी
इसके ऊपर मैं थोड़ा कैप्सिकम लगाऊंगी। कैप्सिकम दूंगी और फिर मैं इसके ऊपर हमारा अमूल का सीज, खूब सारा अमूल का सीज डाल दूंगी। ग्रेट किया हुआ अमूल का सीज मैंने ग्रेट करके रखी हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लेती हूँ। ये आप लोग बच्चे का टिफिन में भी डाल सकते हैं, दे सकते हैं, इवनिंग चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं इसको ओवन में बेक करने के लिए डाल दूंगी। 180 डिग्री में 10 मिनट्स के लिए डालूंगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि ओवन में ही डाले आप लोग, आप लोग इसे माइक्रोवेव में भी पका सकते हैं, पैन में भी पका सकते हैं, कोई बात नहीं, जो आपको जरूरी लगे जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। ये पक जाए तो हम मेरा वो सफेद पनीर का बीज रेडी कर लेती हूँ। मैं अमूल की सारी जजेस को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये पहली बार ये मौका दिया है लाइव आने का, इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, ये मेरा दूसरा डिश है जिसे मैं सफेद पनीर नाम दिया हूँ। इसके लिए मैंने एक पेस्ट पहले से तैयार किया है, जो 200 ग्राम का पनीर आता है उसको मैंने हाफ कर दिया, आधा मैंने कोकोनट मिल्क के साथ मिक्सी में ग्राइंड किया हूँ, सिर्फ कोकोनट मिल्क और पनीर लेके मिक्सी में ग्राइंड किया हूँ और आधा को मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है। ये कोकोनट मिल्क को मैंने अपने घर में ही बनाया है, कोकोनट को ऐसे पीस कर मिक्सी में ग्राइंड करके मैंने उसका मिल्क निकाल लिया है। अभी मैं उसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, मिताली आंटी कैसे एदिन जाम दे तुम्हार घर क्यूब ऑफ हेवन टेस्ट लगे। ओके बा निश्चय आइबा। आप 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ, तो थोड़ा पता जाए तो मेरा लिए बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ उसमें। थोड़ा सा भून जाए तो फिर मैं इसमें
थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी एकदम थोड़ी सी, थोड़ा सा भून लो इसको। थोड़ा सा भून चुका है, अभी मैं इसमें थोड़ी सी वाटर पानी डाल लूंगी। तो मैं गैस को मीडियम टू लो करूंगी। पनीर और कोकोनट का वो मिक्सी में ग्राइंड किया था वो मैं धीरे धीरे इसमें डाल दूंगी। अभी मैं गैस को थोड़ा हाई कर दूंगी, इसमें थोड़ा सा जाएगा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा साल्ट, थोड़ा सा साल्ट, क्योंकि मैं इसे पकने के लिए थोड़ी देर सर दूंगी। शुगर, इसको टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर। इसे मैं पानी के लिए छोड़ दूंगी। अभी मैं दूसरे पैन में लेकर थोड़ी सी तेल डालूंगी, ताकि मैं बटर डालने वाली हूँ, मेरा बटर जले नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया पहले, और इसको एकदम लो कर देंगे फ्लेम को। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च और एकदम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दीजिए। फिर ये जो हमने थोड़ा सा सफेद तिल, थोड़ा सा सफेद तिल इसमें डाल दीजिए। फिर हमने जो पनीर के पीसेस को रखा था उसे यहाँ पे डाल दीजिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा साल, एकदम थोड़ा सा, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा ही कुक करना है इसको। थोड़ा सा ही कुक करना है मुझे, ज़्यादा नहीं कुक करना, नहीं तो ये अमूल पनीर का टेस्ट खराब हो जाएगा। और जी अमित पूछ रहे हैं क्या बना रहे हैं आप? देजी बा, मैं सफेद पनीर बना रही हूँ एक, और एक क्यूब ऑफ हेवन वो ओवन में हो रहा है। ये
ये मेरा सफ़ेद पनीर लगभग हो चुका है। मैंने इसमें देख सका है कोई भी मसाला ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोकोनट का और पनीर का ही ग्रेवी टेस्ट को ख़राब नहीं करना, इसलिए मैं कोई अलग से मसाला नहीं डाली हूँ। तो ही सुखा है मेरा, पनीर हो चुका है मेरा। मैं इसको अभी ऑफ कर दूंगी। मेरा ग्रेवी भी हो चुका है। देसी अहमद बोल रही है, वो आ रही है टेस्ट करने। आई जुआ देसी बा, मुझे तुम खुआ ना है, टेस्ट करबो आई जुआ। ये मेरा देश हो ही गया लगभग, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लो इसका सब ठीक है कि नहीं। हाँ, मेरा हो गया, ये भी हो गया। अभी मैं प्लेटिंग करूंगी। নীলোফার আন্টিয়ে কৈছে সাবিন তোমার হাতের সাদ লৈছো। অঁ নীলোফার বা, এবার ডেজিবা হাতক লৈ আহিবা। ग्रेवी के ऊपर डालूंगी। ये हो ही गया मेरा डिश, और इसको मैं थोड़ी सी हरा धनिया के साथ गार्निश करूंगी। ডেজী আহমদে কৈছে তুমি যে সল্ট হৈছে নে নাই খাই চাইছা, দেট ইজ এ গুড সাইন অফ এ শেফ। থ্যাংক ইউ বা। इसको मैंने नाम दिया है ना क्यूब ऑफ हेवन, इसलिए मैं इसको क्यूब जैसे काट लूंगी। मेघाली खरीदा कैसे लुकिंग यम्मी, थैंक यू मेघाली।
का क्यूब ऑफ हेवन भी हो गया। आप लोग इवनिंग चाय के भी साथ खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन के साथ भी दे सकते हैं, वैसे भी करके बच्चे को बहुत पसंद भी आएगा, क्योंकि उसमें चटनी में मैंने वो ज्यादा नहीं डाला, मिर्ची वगैरह ज्यादा नहीं डाला, वो सेव दिया है मैंने, जो बच्चे को यही यूं ही पसंद है। मैं थोड़ी सी इसके ऊपर हरी चटनी डाल दूंगी, थोड़ी सी हरी चटनी के साथ सर्व करूंगी। और थोड़ा सा थोड़ा सा बच्चे को और ज्यादा अच्छा लगेगा, बच्चे को क्या बड़ों को भी अच्छा लगेगा, है ना। ये कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज बोलिएगा, अगर गलत भी हुआ तब भी बोलिएगा, अच्छा भी लगे तब भी बोलिएगा, बनाकर भी बोलिएगा तो कैसा बना कैसा लगा खाकर मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा। और सबको मैं थैंक बोलना चाहती हूँ, अमूल पेज को, जाजेस को जिसने मुझे सुना है, फर्स्ट विनर बना के भेजा, फिर मैं यहाँ आ सकी हूँ, लाइव फैला मेरा लाइव है। इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ सभी को। आपके बिना मैं सो हो ही नहीं सकता था, कल से आपको मैं परेशान कर रही हूँ, पूछ पूछ के परेशान कर रही हूँ। मेरा तो फास्ट लाइव है इसलिए मैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा था ना, इसलिए इसे भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ठीक है मिताली बा, अमूल प्रोडक्ट आप लोग यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और आजकल तो अमूल का कितना सारा प्रोडक्ट भी निकल आ गया है हमारे मार्केट में। आप लोग खाइए और बनाकर मुझे कमेंट में बोल दीजिए, ठीक है। मैं लाइव और जाजेस को मैं थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे विनर बनाकर आज यहाँ लाइव में आने का मौका दिया, ठीक है। मैं लाइव क्लोज करूँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी इस लाइफ को जोड़ा, इतना मेरे लिए टाइम निकल कर मेरा लाइफ देखा, मेरी थैंक्स, थैंक यू, बाय।